नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की और हिमाचल में हुई जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। प्रतापपुर की जीत के लिए मैं सभी वहां के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई शुभकामनाएं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। मैं राजीव शुक्ला जी को और तमाम जितने सेक्रेटरी वहाँ लगे थे उनको भी बधाई। प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो सब मिलके सामूहिक रूप से लड़ाई लड़े उनको भी बधाई। और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ की मतदाताओं की जीत है, मैं सबको बधाई देता हूँ। आपको भी बधाई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अद्भुत है मंदसौर। भगवान श्री पशुपतिनाथ एक तो नेपाल में है और दूसरा यहाँ विराजते हैं। ये वो शहर है जहां महान सम्राट राजा यशोधर्मन जी भी हुणों को धूल चटाई थी और राजा यशोधर्मन ने गोवर्धा यहां पर गौरव गाथा आज भी उनकी गूंज रही है। ये दसपुर, ये मंदसौर, यहां पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर विराजती है। यहां तलाई वाले बालाजी मंदिर, उनकी कृपा भी लगातार आप पर बरसती है। और पशुपतिनाथ भगवान एक तो नेपाल में विराजे हैं और दूसरे मंदसौर में विराजे हैं, उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। सचमुच में हम सारे शहरों का गौरव दिवस मना रहे हैं। इंदौर का मना, उज्जैन का मना, देवास का मना, 200 से ज्यादा शहर गौरव दिवस मना चुके हैं। जब पिछली बार पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने मैं आया था तब यशपाल जी और सब वरिष्ठों से चर्चा हुई कि मंदसौर अद्भुत शहर, भगवान पशुपतिनाथ का शहर, सूरों और वीरों का शहर, और ये शहर वो शहर है जहां यशोधर्मन महान सम्राट उनने हूणों को धूल चटाई थी, कभी विजय प्राप्त नहीं करने थी। उनकी गौरव गाथा आज भी दिग दिगंत में लगातार गूंज रही है। इस शहर का गौरव दिवस तो होनी चाहिए और इसलिए 8 दिसंबर तय किया आपने, और उस दिन जिस दिन हूणों पर महाराज ने, सम्राट ने विजय प्राप्त की थी, उनकी प्रतिमा यशोधर्मन महाराज की आज अद्भुत बनी है। मैं इस काम में लगे हुए सभी शहरवासियों को, सभी सहयोगियों को, सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपना शहर है, सरकार तो कुछ करेगी लेकिन सरकार के साथ साथ समाज की ड्यूटी भी है और शहर भी अद्भुत है। मेरे बहनों, मैंने एक बात आप कही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपके आशीर्वाद से हम लोग सरकार चला रहे। हमने तय किया एक सिंचाई का पानी। देखिए सरकार सरकार में कैसा फर्क होता है। पहले भी सरकारें रही कई दिनों तक, गांधी सागर का पानी लोग कहते थे अगल बगल में नहीं जा सकता, हम टनल बना के भी पानी ले आए, जमीन खोद के जमीन में से भी पानी ले आए, भानपुरा तहसील भी पूरी हो गई। हम सिंचाई का भी पानी देंगे और पीने का पानी भी देंगे, एक एक बूंद पानी का उपयोग करेंगे। और एक अभियान चल रहा है अलग अलग सिंचाई की योजनाओं का, उनके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा, अलग अलग सिंचाई योजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन अपनी बहनों के लिए,
हैंडपंप से पीने का पानी ना भरना पड़े। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, अभी हमने लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके ये तय किया कि पानी बांध से खींच के लाएंगे, घर घर में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगाएंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन सारे भर जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा हैंडपंप से। लेकिन आप देखो ऐसी कितनी योजनाएं जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। मंदसौर का विकास हमारी प्राथमिकता है। मंदसौर में पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज से लेके अब तक हमने कई काम किए, हर शहर में विकास के काम हो रहे हैं। 12000 करोड़ रुपया शहरों में केवल कह रहा हूं पीने के पानी के लिए और सीवेज के सिस्टम के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम खर्च करने वाले हैं 12000 करोड़ रुपया। अब आजकल तो करोड़ रुपया बताली बचती नहीं है। एक जमाना था जब वो निधि आई थी सांसद निधि, मैं भी सांसद था उस समय, तो कहीं 25000 रुपया मुरम के देते थे, मुरम रोड के, तो साल श्रीफल सांसद जी लड्डू लो बाफले खाओ, उसके लिए तरस जाते थे। अब तो हजारों करोड़ का मामला, अपना खजाना खाली वाली रहते ही नहीं, वो रोते ही रहते थे खाली है क्या करें मामा लूट ले गया। मैं कहता हूं जनता के लिए कोई कमी नहीं है रे भैया, पैसा की अद्भुत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर बात रखी। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। रहते थे हम तो उन्हीं के मुंह से सुनते रहते हैं कि फलानी तारीख के बाद इतनी तारीख भी आती है, हमारी सरकार भी आएगी, हम देख लेंगे, कार्यकर्ता बन के भाजपा के काम नहीं करे, ये उनकी भाषा है। यहाँ तो जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी और जो अच्छा करेगा उसको शाबाशी से पुरस्कृत भी कर दें। अभी पुरस्कार का कार्यक्रम रखा गया तो आपकी बन गई, यहाँ कहाँ झूठ बोला उन्होंने। मैं तो पहले से भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला नेता है वो। आप तमाम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे वीडियो उनके आते हैं, पहले क्या कहा था आप क्या कहा है, तो ये इस तरह की भाषा और जवान बदलने का उनका स्वभाव है। लिख के दिया वो भी सब झूठ निकला ना। चुनाव प्रचार का उनका अपना एक ये तरीका है, लेकिन अब जनता की समझ में आ गया है। सवाल दिल्ली की समझ का है तो मैं समझता हूँ दिल्ली के मतदाता भी जल्दी समझ जाए। मध्य प्रदेश में गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा, आप देख लेना। यहाँ भी ऐसी ही मेजोरिटी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। कार्रवाई तो तत्काली प्रभाव से उन पर कर दी थी, प्राचार्य दोषी जो भी शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं, क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था, या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सबकी बारीकी से जांच इन सबकी की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे, समरसता पर कोई भी आंच। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी हैं। इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। ट्वीट में क्या लिखा गया वो हम आपको दिखा दें कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता, भारतीय राजनीति में त्याग की मूर्ति और भारत के लोकतंत्र की नई दिशा देने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं, बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कमलनाथ ने यह ट्वीट किया है क्योंकि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने ट्वीट के जरिए आभार व्यक्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर से आपकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 1948 के जीप घोटाले पर एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो क्या है वो आपको दिखा देते हैं।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर में साइबर ठगी के शिकार लोगों को न्याय दिलाने में हम सफल हुए हैं, साथ ही नवाचार के कारण फरार मुजरिमों के प्रकरणों पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। इस बीच और क्या कुछ कहा उन्होंने वो आप में भी हमारी भोपाल और इंदौर की पुलिस ने बड़ा काम किया है। हमारे भोपाल के अंदर साइबर क्राइम जैसी सर्वाधिक क्राइम आजकल साइबर से हो रहे हैं, 1,14,00,000 रुपए वापस कराए, जबकि इंदौर के अंदर हमने इस साइबर क्राइम से लगभग 3 करोड़ रुपए लोगों के बरामद किए, वापस कराए हैं। भोपाल और इंदौर हमारे साफ शहर हैं, तो इन यहाँ थानों में साफ सफाई की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम किया है। फरार मुजरिम जो रहते हैं उन मुजरिमों के लिए भी जमानत जब्त करने का एक नया प्रावधान निकाला है। फरार हो जाता है तो उसको पकड़ते तो है ही है, पर जो जमानतदार है उस जमानतदार से भी जमानत की राशि वसूलते हैं, जिससे जमानत लोग सोच समझ के दें, ये भी एक नवाचार। मजिस्ट्रेटियल ताकत जो उनको दी गई है कमिश्नर को, उसका सख्ती से पालन करते हुए इंदौर और भोपाल में कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ थानों के अंदर नवाचार के अंदर आगंतुक रजिस्टर रखे गए हैं, जिसमें आने वाले का नाम पता, कर्मचारियों ने कैसा व्यवहार किया उसको भी नोट किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे में भी देखा जाता है। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए गुजरात में हुई बीजेपी की बंपर जीत पर खुशी जाहिर की, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो आप सुनिए। ये महाविजय, ये मोबाइल नीचे करना है भाई, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का प्रेम, विश्वास और श्रद्धा का प्रकटीकरण है। मोदी जी जन जन के मन में बसे हैं, उन पर असीम और अगाध विश्वास है। जनता उनको कल्प वृक्ष मानती है और विकास का जो मॉडल गुजरात के विकास के रूप में जो उन्होंने दिया है, उसे आज न केवल देश बल्कि दुनिया के कई राज्य अपना रहे हैं। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। अब राहुल बाबा को कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालना पड़े। इस असीम और अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ विजय के लिए हम मध्य प्रदेश में एक बार फिर से व्यापम घोटाले की गूंज सभी जगह सुनाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की शिकायत पर 8 साल तक जांच करने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 8 साल पहले तत्कालीन एडीजी सुधीर कुमार से इस मामले की शिकायत की थी, और इसी को लेकर इस मामले में अब ट्वीट किया गया है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला इतना चर्चित हो चुका है कि शिवराज सरकार के व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल का नाम तक परिवर्तित कर दिया गया है। हालांकि अभी भी व्यापम घोटाला पीछे नहीं छोड़ रहा है, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह की शिकायत पर एसआईटी ने एक मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि साल 2008 और 2009 में पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन एडीजी से शिकायत की थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे, जिसके बाद साल 2014 में की गई शिकायतों की जांच शुरू की गई। अभी तक इस मामले की जांच जारी है और अब जाकर जांच पूरी होने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज किए जाने की खुशी भी जाहिर की है। कहा कि पूरे व्यापम प्रकरण में पैसे लेने वाले छूटे हुए हैं और पैसे देने वाले पकड़े जा रहे हैं। खूब खाओ और पकड़े जाओ तो झूठ साक्ष्य लगाकर घूस देने वालों को पकड़वा दो। आगे उन्होंने लिखा कि अगर पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार रह जाती तो पूरे मामले के जो गैंग है या पूरे जो मामू गैंग है उसका खुलासा हो जाता।
और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि 5 साल का वादा 3 साल में बीजेपी ने पूरा कर दिया है। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। नरेला विधानसभा का गठन हुआ डिलिमिटेशन के बाद, तो ये विधानसभा पिछड़ी हुई थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, पीने का पानी नहीं मिलता था। और मैंने चुनाव के वक्त 2008 में जब मैं आया था तो मैंने यही वादा किया था कि यदि मैं जीतूंगा तो एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने 5 साल का वादा 3 साल में पूरा किया और एक एक। और खबर अब दमोह से है। बता दें कि जुबेरा जनपद क्षेत्र में अभी तक धान खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार ये किसान सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, सभी को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन जब खरीदी शुरू नहीं हुई तो किसानों ने निस्वार्थ सामाजिक संगठन प्रमुख सचिव मोदी से संपर्क किया और बताया कि संपूर्ण दमोह जिले में खरीदी प्रारंभ हो गई है, लेकिन सीमरी ज्वालम सिंह में क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। हमारा धान खरीदी केंद्र है सिमरी जालम सिंह, बड़ा केंद्र है और यहाँ बहुत सारे किसान जो हैं वहाँ आसपास के, एक बड़ा उत्पादन वहाँ होता है और आज दिनांक तक वहाँ खरीदी चालू नहीं की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों ने इस विषय में बात की है तो उनका कहना है कि शासन की स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रपोजल गया है, लेकिन काफ़ी समय क्योंकि सब जगह धान खरीदी केंद्र चालू हो गए हैं, सिमरी जालम सिंह में केंद्र चालू नहीं हो रहा है। किसान के लिए तुरंत ही जब फसल पैदा होती है उसके पहले ही उसके कर्ज देने होते हैं, इसलिए उसको तुरंत फसल बेचने की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसे में उसका जब शासन स्तर तक खरीदी नहीं होती तो उसको औने पौने दामों में बाजार में बेचनी पड़ती है। ये एक बड़ी विकट समस्या है और हमारे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। इसके पर्दे के पीछे बात यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वह इसमें अपने अपने लोगों को उपकृत करने के चक्कर में वह केंद्र चालू नहीं होने दे रहा है। कोई कह रहा हम करेंगे, कोई कह रहा हम करेंगे। आपने अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिला शिक्षा अधिकारी के, उसमें एक भाजपा के नेता कह रहे हम लेंगे ठेके। तो ये भाजपा की जो सरकार है या ठेकेदारों को आगे करके अपने लोगों को उपकृत करने के हिसाब से सभी काम कर रही है। इसमें किसान भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। जल्द ही इनका सफाया 2023 में होने वाला है। धन्यवाद किसानों की। और हत्या कर लूट और आगजनी करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। बताया जा रहा है कि दमोह का यह मामला है जहां पर एक बदमाश ने महिला के घर में घुसकर लूट की कोशिश की और जब महिला ने विरोध किया तो इस अपराधी ने उसकी हत्या कर दी और घर में आग लगा दी। एडीजी श्री के मिश्रा साहब के न्यायालय में बहादुर राय का एक मामला था जिसमें दिनांक 6-7 जुलाई 2017 की घटना थी। उसमें आरोपी बहादुर राय जो है मृतिका चमेली बाई के घर के अंदर घुसा लूट करने के नियत से, अचानक वो जाग गई तो उसने उसे नीचे पलंग के नीचे गिर गई झीने झपटी में, जिस पर क्या हुआ कि उसने उसके गले पर लात रख दिया जिससे फड़फड़ाने लगी और उसके अलमारी के कपड़े वगैरह उसके ऊपर डालने लगा। तभी उसकी माँ जो है जानकी बाई पानी मांगने के लिए उठी, वो अति वृद्ध थी। जैसे ही बहादुर राय ने जानकी बाई की आवाज़ सुनी तो उसके ऊपर भी झपटा और उसके साथ भी मारपीट की और उनका भी गला दबाया। उसे लगा कि वो मृत हो गई लेकिन वो जिंदा थी और उसी समय उसने जेवरात वगैरह की चोरी की, वहाँ से लूट की और मोबाइल वगैरह लूट किए और उनके घर में आग लगा दी जिससे सारा सामान जल गया। मृतका चमेली बाई की मौत हो गई, उनका शरीर भी जल गया था। आहत जानकी बाई ने फिर मोहल्ले के लोगों को जगाया, उसके बाद लोगों ने आग बुझाई, पुलिस आई, मामला पंजीबद्ध हुआ और अभियोग पत्र जो है धारा 302, 460, 436, 201 के और 392 के अंतर्गत माननीय न्यायालय हटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आज उसे बहादुर राय को दोषी सिद्ध पाते हुए 13 जीवन कारावास दिया है। धारा 302 में जीवन कारावास, धारा 460 में जीवन कारावास और धारा 436 के अंतर्गत आजीवन कारावास, 392 में 5 वर्ष के। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दमोह से है जहां जिले में पथरिया विधानसभा से बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार अपने दबंग अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं। सोशल मीडिया में उनके लापरवाह अधिकारियों की खिंचाई करते वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं और हाल ही में विधायक का एक और नया वीडियो सामने आया है।
कितने दे तुमने? 8,000 जब तुम गंगा उठा के कह सकत बिल्कुल क्या गंगा है हमने 8,000 दा अगर लेने दा हो तो मारना कना कह ले यारा की खनवा ले अन्य जो वाला थे हमारे बस नहीं मजे नहीं पता हम तो प्यार नहीं के सामने हम की 8,000 रुपया दी ठीक। और एक बड़ी खबर की ओर करेंगे, इस वक्त ही बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दे। सीएम पद पर प्रतिभा सिंह की दावेदारी मजबूत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पार्टी को जिस नाम पर वोट मिले हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है कि उसे नजरअंदाज नहीं करेगा आला कमान। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। शिमला में विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक से पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर मजबूत दावेदारी पेश की है। बताया जा रहा है कि पार्टी को जिस नाम पर वोट मिले उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी मजबूती के साथ यहां पर सामने आई है प्रतिभा सिंह की। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर वोट मांगे गए हैं। जनता ने वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल पर कांग्रेस को सत्ता में लाया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।